तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, आपको तो पता ही है कि चिरायु आयुष्मान कार्ड की जो लिस्ट है वो हरियाणा सरकार ने नवंबर महीने में जारी की थी, यानी नवंबर 2022 में लगभग 13-14 तारीख के आसपास जो लिस्ट है वो जारी की गई थी। और दोस्तों, वह लिस्ट आने के बाद बहुत से लाभार्थियों ने अपना जो आयुष्मान कार्ड है वह सीएससी सेंटर पर जाकर अप्लाई करवाया था, यानी उसकी केवाईसी करवाई थी। वहां पर दोस्तों सीएससी वीएलई ने आपको बताया होगा कि जो आपका आयुष्मान कार्ड है वो आपको बिल्कुल फ्री हरियाणा सरकार प्रोवाइड करवाएगी, यानी कि जो आपका आयुष्मान कार्ड है वो सीएससी सेंटर पर हरियाणा सरकार भेज देगी, पीवीसी प्लास्टिक कार्ड हमारे पास भेज देगी और हम आपको जो आयुष्मान कार्ड है वो दे देंगे। लेकिन दोस्तों, आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो अभी तक आपको नहीं मिला है और आप सीएससी सेंटर पर जाकर पता करते हैं तो वह कहते हैं कि अभी तक हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब जो आपका फ्री पीवीसी कार्ड वाला आयुष्मान कार्ड है वो आपको मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि नवंबर महीने में लिस्ट जारी हो गई थी चिरायु आयुष्मान कार्ड की 2022 में। और दोस्तों, फरवरी महीने में भी कुछ ऐसे परिवार थे जो आयुष्मान सूची में हरियाणा सरकार ने जोड़े थे। उसके बाद दोस्तों कोई भी अभी तक नई लिस्ट जारी नहीं की गई है। और दोस्तों, उस समय जो आयुष्मान कार्ड सीएससी वीएलई ने अप्लाई किए थे उनके दोस्तों पीवीसी कार्ड अभी तक किसी भी सीएससी सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं। पहुंचे हैं तो वो भी बिल्कुल कम मात्रा में आए हैं। शुरुआत में ही दोस्तों कुछ सीएससी सेंटर पर जो आयुष्मान कार्ड है वो भेजे गए थे, पीवीसी कार्ड भेजे गए थे, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, बहुत ही कम मिले थे और दोस्तों सभी के अभी तक नहीं आए हैं। अब दोस्तों, आपको आयुष्मान कार्ड कैसे मिलेगा, आपका पीवीसी कार्ड मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अब पीवीसी कार्ड का इंतजार नहीं करना है, यानी जो आपका प्लास्टिक का आयुष्मान कार्ड है फ्री वाला उसका इंतजार आपको नहीं करना है। जिस सीएससी सेंटर पर जाकर आपने अपना आयुष्मान कार्ड अप्लाई करवाया था या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आपको अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके वहां से उसका प्रिंट निकलवा लेना है, या फिर आप अगर उसे प्लास्टिक का बनवाना चाहते हैं तो प्लास्टिक का बनवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कलर प्रिंट निकलवाकर उस पर लैमिनेशन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप पीवीसी जो प्लास्टिक कार्ड है फ्री वाला उसका इंतजार न करें, अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। अगर दोस्तों सरकार भेजती भी है तो आपके पास एक और कार्ड आ जाएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप इंतजार न करें, अपना जो आयुष्मान कार्ड है उसे निकलवा लें, उसके आप फोटो भी ले सकते हैं, कलर प्रिंट निकलवा कर उस पर लैमिनेशन भी करवा सकते हैं और दोस्तों आप अगर चाहें तो अपना पीवीसी कार्ड भी सीएससी सेंटर के माध्यम से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी कि जो कार्ड है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पहुंचे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचे हैं और आप अपना कार्ड निकलवाना चाहते हैं तो आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड निकलवा सकते हैं, आपका आयुष्मान कार्ड उसी समय जारी हो गया था। और दोस्तों, अगर आपका किसी कारण से अभी तक नहीं बना होगा तो उस समस्या का समाधान करवा कर आप दोबारा से अप्लाई करवा दीजिए, आपका कार्ड जारी हो जाएगा, उसे डाउनलोड करवा कर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी क्योंकि आपके लगातार बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जिंदगी भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।